बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलामुअलैकुम। आई होप ऑल आर यू फाइन। आई एम योर उर्दू टीचर मिस कैसरा फ्रॉम बहरिया मॉडल स्कूल PNED सेकेंडरी विंग। इस वीडियो में नज़रिया पाकिस्तान के बारे में आपको बताऊंगी। नज़रिया पाकिस्तान, सबसे पहले तो जो है वो आप नज़रिए के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि नज़रिया क्या है। नज़रिया कहा जाता है ख़याल तसव्वुर को। अब हर मुल्क की बुनियाद जो है वो किसी ना किसी नज़रिए के ऊपर मबनी होती है। जैसे पाकिस्तान का नज़रिया जो है वो इस्लाम पर मबनी है। इस्लाम जो है वो पाकिस्तान का नज़रिया है, क्योंकि पाकिस्तान एक नज़रियाती रियासत है। अब इस सबक को पढ़ने के हमारे जो है वो कुछ मकासद हैं। सबसे पहले ये कि हमें रोज़मर्रा के लिहाज से जो गलत फ़िक्रे होते हैं वो हम दुरुस्त कर सकेंगे। जैसे हम आम अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, दाना पानी, हाल चाल, तो इन जुमलों की जो है वो हम सही, इन रोज़मर्रा के फ़िक्रात को जो है वो हम दुरुस्त तरीके से बयान कर सकेंगे, लिख सकेंगे, और अपने मुशाहिदे इल्म तजर्बे की बुनियाद पर हम किसी भी मज़मून पर जो है वो किसी भी मज़मून पर अपने ख्यालात का जो है वो इजहार कर सकेंगे, यानी हम मज़मून गारी जो है वो कर सकेंगे। इस सबक के जो मुसन्निफ हैं वो डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान हैं। डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान का मुख्तसरन तारुफ ये है कि आप 1912 में पैदा हुए और 1905 में आपका इंतकाल हुआ। डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान जबलपुर हिंदुस्तान का एक इलाक़ा है, वहाँ पैदा हुए। नाज़रा क़ुरान पाक यानी घर पर ही पढ़ा और वहीं के अंजुमन इस्लामिया हाई स्कूल में, ये स्कूल का नाम है अंजुमन इस्लामिया हाई स्कूल में, सानवी जमात तक जो है वो डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ने तालीम हासिल की। कहाँ पर? जबलपुर में। अलीगढ़ कॉलेज से MA और नागपुर यूनिवर्सिटी से PhD और DLET की डिग्रियां हासिल की। 1937 में पब्लिक सर्विस कमीशन पास करके किंग एडवर्ड कॉलेज अमरोती हिंदुस्तान का एक शहर है, वहां पर जो है वो उर्दू के उस्ताद जो है मुकर्रर हुए। इसके बाद आप नागपुर यूनिवर्सिटी, नागपुर भी हिंदुस्तान का ही एक इलाका है, वहाँ नागपुर के नाम से यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के सदर शोबा उर्दू मुकर्रर किए गए, यानी उर्दू के शोबा उर्दू जो है, उर्दू का जो डिपार्टमेंट है उसके प्रिंसिपल जो है वो इन्हें मुंतखब किया गया। इसके बाद 1948 में हिजरत करके पाकिस्तान आए और इस्लामी यूनिवर्सिटी कराची में उर्दू के उस्ताद मुकर्रर हुए। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने आपको उर्दू कॉलेज कराची में सदर शोबा उर्दू के तौर पर तैनात किया। तैनात करना यानी मुकर्रर करना। अलामा आई काजी ने आपको हैदराबाद सिंध यूनिवर्सिटी सदर शोबा उर्दू मुकर्रर किया। डॉक्टर साहब एक बहुत बड़े आलिम, मुहक्किक, मुसन्निफ़, माहिरे लिसानियात, माहिरे तालीम और सिलसिला नक्शबंदिया के अजीम रहनुमा थे। आपको उर्दू, हिंदी, फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी ज़ुबानों पर अबूर हासिल था। आपकी इल्मी और तसनीफ़ी खिदमात की वजह से पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इदारों ने तमगा एवॉर्ड और सिपास नामे अता किए। हुकूमत पाकिस्तान ने इकबाल और कुरान किताब लिखने पर सदारती एवॉर्ड सितारा इम्तियाज़ से नवाजा। यह हुकूमत का जो है वो एक बहुत बड़ा एज़ाज़ है, उससे जो है वो इन्हें नवाजा गया। आपकी तहरीर करदा किताबें पाकिस्तान की जामियात में पढ़ाई जाती हैं। नज़रिया पाकिस्तान।
नज़रिया पाकिस्तान और तहरीक पाकिस्तान के असल वजह या मकसद क्या है। मुसलमानों का अगर देखा जाए तो ये आम असूल है और हमेशा रहा है कि वो बिला वजह कभी किसी से लड़ते झगड़ते नहीं हैं, हर एक के साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं। लेकिन जब कुफ्र इल्हाद कहा जाता है, जो ताहूती कुव्वतें होती हैं, जो गैर मुस्लिम कुव्वतें होती हैं, जो इस्लाम को ख़त्म करना चाहती हैं, जब वो फ़रोग हासिल करने लगती हैं या बेदीनी को गलबा हासिल हो, यानी हमारा जब लोग दीन से दूर होना शुरू होते हैं, तो मुसलमानों और मुसलमानों के हकूक़ पामाल किए जाएँ, इनकी मज़हबी आज़ादी को सल्ब किया जाए, तो मुसलमान डट खड़े होते हैं, आवाज़ भी उठाते हैं और तहरीक भी चलाते हैं। अकबर बादशाह का दौर देखा जाए तो मुसलमान बादशाह था, लेकिन जब उसके ज़माने में हिंदुओं का सियासत और निज़ाम हुकूमत में अमल दखल बहुत बढ़ गया, काफराना तौर तरीके राइज होने लगे और मुसलमानों की मज़हबी आज़ादी सल्ब होने लगी यानी ख़त्म होने लगी, उस तो हज़रत मुजद्दिद अलिफ सानी, ये आलम दीन हैं, उन्होंने अपने ही मुसलमान बादशाह के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई। इनकी तहरीक का मकसद इस्लाम की तहरीक अहियाए इस्लाम था, यानी इस्लाम की तालीमात जो फरामोश की जा रही हैं या उन्हें भुलाया जा रहा है, उनके साथ हिंदू रस्म व रिवाज को मिलाया जा रहा है, तो इसे ख़त्म करना और ख़ालिस दीनी तालीमात को आम करने के लिए इन्होंने ये तहरीक चलाई, जिसके नतीजे में शाहजहाँ और औरंगज़ेब दीन के खादिम बन के उभरे। यानी इस तहरीक के नतीजे में शाहजहाँ और औरंगज़ेब जो है वो इनके बहुत बड़े हामी बने। इसी तरह जब औरंगज़ेब के बेटों में नफाक की वजह से मुगलिया सल्तनत को जवाल हुआ, हिंदुओं और मरहटों ने सर उठाया और अंग्रेज़ों ने कदम जमाए, तो हैदर अली और टीपू सुल्तान ने डट कर मुकाबला किया। हैदर अली और टीपू सुल्तान जो है वो उनके नाम से आप लोग वाकिफ़ हैं कि ये मुसलमानों के बहुत बड़े और बहादुर सिपा सलार हैं। इन्होंने डट कर जो है वो इनका मुकाबला किया। किनका किया था? हिंदुओं और मरहटों का, क्योंकि इस वजह से कि इन्होंने मुगलिया सल्तनत को जो वो ख़त्म करने की कोशिश की थी, लेकिन अंदरूनी गद्दारी की वजह से नाकामी हुई, तो शाह वलीउल्लाह और इनके बेटों और पोते ने तहरीक चलाई और एक दफ़ा फिर मुसलमानों में ग़ुलामी से आज़ादी हासिल करने के लिए जोश व जज्बा और वलवला पैदा कर दिया। जंगी आज़ादी में नाकामी के बाद, ये कौन सी जंगी आज़ादी है? 1857 की। इसमें मुसलमानों को नाकामी के बाद जो है वो पूरी तरह से मغلوب हो गए। किसके मغلوب हो गए थे? अंग्रेज़ों के, और अंग्रेज़ों ने इक्तदार बरसग़ीर में मुस्तहकम और मज़बूत कर लिया। अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के साथ इंतहाई बदसलूकी और ज़ुल्म सितम शुरू कर दिए, तो सर सैयद अहमद ख़ान की मफाहमत पर अंग्रेज़ों ने रवैये में तब्दीली और नरमी आई। कांग्रेस की बुनियाद ये कहकर रखी गई थी कि ये हिंदुस्तान की तमाम कौमों खसूसन हिंदू मुस्लिम की नुमाइंदा जमात होगी और इनके मसाइल अंग्रेज़ हुकूमत से हल कराएगी, लेकिन जब सरकारी नौकरियां हिंदुओं को दिलवाई गईं, तजारत और कारोबार पर हिंदुओं का कब्ज़ा कराया गया और उर्दू के मुकाबले में हिंदी को फ़रोग दिया जाने लगा, तो साफ ज़ाहिर हो गया कि कांग्रेस जो है वो मुसलमानों की नहीं, सिर्फ हिंदुओं के मफादात के तहफ़ुज़ के लिए बनाई गई है। और ये कांग्रेस कब बनाई गई थी? 1885 में। लिहाजा मुसलमानों ने जो है वो मुस्लिम लीग का क़याम अमल में लाए, जो कि 1906 में अमल में आया, ताकि मुसलमानों के हकूक़ का भी तहफ़ किया जाए। अंग्रेज़ और जर्मन के दरमियान पहली जंग अजीम हुई, तो अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को यकीन दहानी कराई कि अगर मुसलमान अंग्रेज़ों का साथ देंगे तो इनको मज़ीद आज़ादी और सहूलतें भी दी जाएंगी और इनके खलीफा इस्लाम यानी तुर्की के सुल्तान को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। लेकिन ये धोखा था, फतह होते ही अंग्रेज़ों ने तुर्की के जो है वो टुकड़े टुकड़े कर दिए, लिहाजा खिलाफत उस्मानिया के तहफ़ के लिए जो है वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली ने जो है वो तहरीक खिलाफत के नाम से एक तहरीक चलाई, जिसका मकसद क्या था? खिलाफत उस्मानिया को बचाना। शुद्धि और सिंगटन की हिंदू तहरीकों की वजह से हिंदू मुस्लिम दुश्मनी खुलकर सामने आई। शुद्धि और सिंगटन तहरीकें जो है वो हिंदुओं की तरफ से ये तहरीकें शुरू की गई थी, जिसका मकसद मुसलमानों को हिंदू बनाना था और
इससे साफ जाहिर हो रहा था इस तहरी इन तहरीकों से कि हिंदू कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते, बल्कि ये खुली दुश्मनी का जो है वो सबूत थी। नेहरू रिपोर्ट ने बाकिया कसर जो है वो पूरी कर दी। 1928 में नेहरू रिपोर्ट जारी की गई और इसके जवाब में जो है वो कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है वो अपने मशहूर ज़माना 14 नुकात पेश किए थे 1929 में। दो को अब ये जो है नेहरू रिपोर्ट थी, इसने दो कौमी नज़रिए का खुला जो है वो प्रचार किया कि मतलब ये कि इससे वाजह हो गया कि हिंदू कभी भी मुसलमानों का फ़ायदा नहीं चाहेंगे, मुसलमानों को कभी भी वो जो है आगे नहीं आने देंगे। नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत मज़ीद वजाहत जो की गई वो करारदाद पाकिस्तान की मंजूरी से हुई। 23 मार्च 1940 को करारदाद पेश की गई थी जिसे करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया गया। इस करारदाद में बाकायदा मुसलमानों के लिए पहले लफ्ज़ कौम इस्तेमाल किया जा रहा था जो कि सर सैयद अहमद ख़ान ने किया था, और इसके बाद जो है वो बाकायदा लफ्ज़ पाकिस्तान इस्तेमाल किया जाने लगा। तहरीके पाकिस्तान में जो है वो हम अगर देखें तो जब पाकिस्तान वजूद में आया तो ये हमें किसी ट्रे में किसी डिश में सजा सजाया नहीं दिया गया। इसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत सी कुर्बानियां दी, घर बार सब कुछ थोड़ा छोड़ दिया, हमारे माओ बहनों की इज्जतें पामाल हुई। अब असल में हमारा जो मकसद है नज़रिया पाकिस्तान को फ़रोग़ देना, नज़रिया पाकिस्तान का मकसद जो है वो इस्लामी ज़िंदगी और कदरों का तसव्वुर और इसकी बुनियादी हैसियत को बरकरार रखना है। अख़ुवत, मसावात, अदल, दयानत, खुदा तरसी, इंसानी हमदर्दी और अज़मत किरदार के बग़ैर जो है वो नज़रिया पाकिस्तान फ़रोग नहीं पा सकता। हमारा कोई कदम अल्लाह रसूल के अहकामात के ख़िलाफ़ ना हो, हमारा जीना मरना सब पाकिस्तान के लिए हो, हमारी तमाम कुव्वतें और सलाहियतें पाकिस्तान को तवाना, मुस्तहकम, शानदार, पुरअज़्म बनाने के लिए सर्फ हों, तभी जो है वो हम इसमें कामयाब और सुरखरू हो सकते हैं। अब इसमें अहम जुमलों की तशरीह है जिसमें एक पहला जुमला है, मुसलमानों ने हमेशा रवादारी को अपना शेवा बनाया है। इसमें मुसन्निफ़ ने नज़रिया पाकिस्तान के पस मंज़र को बयान करते हुए कहा है कि मुसलमान बहैसियत कौम हमेशा से इस्लामी असूलों पर अमल पैरा है और उन्होंने हमेशा दूसरों को अपने हुस्न सलूक से कायल करने की कोशिश की, लेकिन जब कभी बेदीन कुव्वतें यानी गालिब कुव्वतें जो है वो इस्लाम पर गालिब आने की कोशिश करती हैं तो मुसलमानों ने बेखौफ होकर और डट कर इनका मुकाबला किया है। हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत सदियों से थी, लेकिन जब बादशाह अकबर का दौर आया तो इसने ज़रूरत से ज़्यादा हिंदुओं के साथ हुस्न सलूक किया और रवादारी बरती, जिसकी वजह से हिंदू रस्म व रिवाज मज़हब में दाखिल होने लगे, मुसलमानों की आज़ादी ख़त्म होने लगी। इस सूरत हाल के पेश नज़र आखिरकार मुसलमान उलमा कराम ने इस्लामी तौर तरीक़ों को महफूज करने के लिए मुख्तलिफ जो है वो तहरीकें चलाईं जिसका मकसद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के हकूक़ को पामाल होने से बचाना और इस्लामी तालीमात को फ़रोग देना था। इसके बाद जो है वो एक जुमला ये भी है जो अहम जुमला है, नज़रिया पाकिस्तान का मकसद पाकिस्तान को एक फलाही मुमलिकत बनाना है। इसकी वजाहत जो है वो इस तरह से है कि नज़रिया पाकिस्तान का असल मकसद इस जुमले से जो है वो ज़ाहिर हो रहा है, सिर्फ ज़मीन का एक खित्ता मुसलमानों के लिए नहीं चाहिए था, और ये बाकायदा कायदे आज़म ने भी जो है वो खुले तौर पर अपनी तकरीर में इस बात को वाज़े किया था कि हमें सिर्फ ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं चाहिए बल्कि हमें एक ऐसी लेबॉर्ट्री चाहिए जहां जो है वो हम ऐसी सरज़मीन चाहिए जहां हम इस्लामी और फलाही रियासत का क़याम हमारे लिए मुमकिन हो सके, जहाँ मुसलमान आज़ादी से इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके और इंसानियत की फलाह व बहबूद को मुमकिन बना सकें।
जहाँ कुरान पाक और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमली जामा पहनाया जा सके। और ये ममलिकत दुनिया की तमाम इस्लामी मुल्कों के लिए मिसाली नमूना बन जाए। तीसरा जुमला, इसका अहम जुमला ये है कि ये वतन कौमियत जनूबी एशिया के मुसलमानों के को तहफ़ देने में बिल्कुल नाकाम थी। इसमें जो है वो मुसन्निफ़ ने ये वाजे करने की कोशिश की है कि दुनिया में कौमियत के दो बुनियादी नज़रिए हैं। पहला नज़रिया मग़रिबी मुफक्करीन का कायम करदा है, जो किस बिहाफ पर या किस चीज़ पर मबनी है, ख़ानदानी नस्ली इलाकाई कौमियत पर मबनी है, और इसकी बुनियाद जो है वो जुग्राफियाई हदूद पर रखते हुए और इनके मुताबिक कौम वतन से बनती है, और यही वतन कौमियत को तबाही और बर्बादी के दहाने पर ला खड़ा करता है। इसमें इंसानियत की भलाई मुमकिन नहीं है, क्योंकि हर एक रंग नस्ल और ख़ानदान को जब आगे लेकर चलेगा तो कभी भी वो रियासत ना तो तरक्की कर सकेगी और ना ही वो आगे बढ़ सकेगी। इस नज़रिए के तहत मसावात, अखुवत, भाईचारा, हकूक़ व फ़राइज़ और अदल व इंसाफ कुछ भी तस्लीम शुदा नहीं हैं। इस वतन कौमियत की वजह से जनूबी एशिया के मुसलमान अदम तहफ़ का शिकार हो गए थे। जबकि इसके पस मंज़र देखा जाए या पेश नज़र देखा जाए तो हमारा जो दूसरा कौमियत का नज़रिया है वो इस्लामी है, और वो नज़रिया जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, जो कलमा तैयबा पर मबनी है। ये तो हमारा सबक था नज़रिया पाकिस्तान। उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि नज़रिया पाकिस्तान क्यों अहमियत रखता है, पाकिस्तान की तशकील कैसे अमल में आई, और अब हमें जो है वो पाकिस्तान को मुस्तहकम और मज़बूत बनाने के लिए क्या करना है। तो अज़ीज़ तलबा, इसके साथ ही हमारा जो है वो ये सबक इख्तिताम पज़ीर हुआ, आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट सबक के साथ जो है वो दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।